अच्छा भैया, इससे पहले जो डिज्नीलैंड मेला लगा था और फिर से ये लौट के आ गया, इसमें पहले से क्या सब चीज़ चेंजिंग हुआ है? ये डिज्नीलैंड मेला तिलक मैदान मोतीझील मुजफ्फरपुर में कल माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। इस मेले में आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि 70 से 72 आपको स्टॉल मिलेंगे। अच्छा जी। जिसमें आपको कश्मीरी उलेन कोट के बहुत सारे स्टॉल हैं, ठंडे मौसम चल आ रही है तो मवैया कोट वगैरह मिलेगा, बच्चों के लिए खिलौने हैं, ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल है, अचार का मिलेगा, कटलरी क्रॉकरी के स्टॉल हैं, मतलब बच्चों और फैमिली के परिवार के मनोरंजन के लिए एक पूरी तरह एक सामाजिक स्तर से और एक सेफ्टी के स्तर से ये प्रॉपर मेला चल रहा है। अच्छा जी। झूलों का में एक नया आया है, 24 ये टावर देख रहे हैं ना आप, इससे पहले जो लगा था वो 22 चेयर का था, ये 24 चेयर का, पूरे बिहार झारखंड में पहले 24 चेयर का ये पहली बार आ रहा है। दूसरा चीज़ है, इसके साथ साथ ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, मिनी ट्रेन है, पहली बार मुजफ्फरपुर में हम नाव ला रहे हैं जो इससे पहले पिछले मेले में नहीं था, वाटर बोट की व्यवस्था है, मिक्की माउस है, मिनी ट्रेन है, जंपिंग है, ये सारे व्यवस्था, लगभग आपको 12 से 14 झूलों का एक संग्रह आपको हमारे डिज्नीलैंड मेला मोतीझील तिलक मैदान में मिलेगा। 15 रुपया सिर्फ हम रखे हुए हैं इसका प्रवेश, 1 बजे दिन से लेकर रात के 10 बजे तक इसका समय है। पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से आग्रह है कि अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारे मेले में आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजीव सोनी यूट्यूब चैनल में। तभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई फिर से आ गया हुआ है मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में, और तिलक मैदान रोड में किस लिए आए हुए हैं आप लोगों को अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे मुजफ्फरपुर तिलक मैदान रोड में फिर से आ गया है डिज्नीलैंड मेला, तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर में क्या सब चीज़ इस सलनाया में आया, और सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो चलिए हम चलते हैं तिलक मैदान के डिज्नीलैंड मेला में, अंदर चल के सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं कि कहाँ पर क्या सब चीज़ लगा हुआ है, सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं यह पार्किंग का स्पेस हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जो है कि अपना साइकिल या बाइक से अगर यहाँ पे आते हैं डिज्नीलैंड मेला के अंदर में जाने के लिए, तो आप अपना बाइक और साइकिल जो है कि यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ का जो पार्किंग में जो रहते हैं, टिकट काटते हैं जो भैया यहाँ पर देखभाल करते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि इस बार क्या प्राइस है बाइक का और साइकिल का। भैया पहले भी तो आप ही का पार्किंग इसमें था, फिर से मतलब कि आप ही का पार्किंग आ गया है? नहीं बच्चे। अच्छा जी, तो भैया इससे पहले जो मतलब कि प्राइस था साइकिल और बाइक का, उससे अलग है या मतलब कि वही है? बढ़ गया है। कितना हो गया बाइक का? 15 रुपया। मोटरसाइकिल बाइक का मतलब 15 रुपया, साइकिल का 10 रुपया। साइकिल का 10 रुपया हो गया, और आप लोग अगर बाइक से आते हैं तो बाइक का आपको 15 रुपया लगेगा ना चार्ज? अच्छा भैया, उसका कोई टाइम भी है फिक्स, कितना देर में ले जाना है? कोई टाइम नहीं है, जितना देर भी अंदर पड़ता है पब्लिक घूम सकते है ना। अच्छा जी, क्या नाम हुआ अभी आपका? अच्छा मोहम्मद निहाल जी, थैंक यू भैया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे पहले आप लोग यहाँ पे आते थे उस प्रकार आपको यहीं पे सेम जगह पे आपको जो है कि यहाँ, और अभी आप लोगों को दिखा देंगे तो कि पहले से जो है कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर इसको जो है कि आगे का लुक दिया गया, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोगों को एकदम हकीकत में जैसे कि दीवार होता है उस प्रकार, और यहाँ पे खिड़की दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, देखिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए श्री राम मंदिर अयोध्या, वहाँ का जो श्री राम मंदिर जो है वहाँ का जो है सिर्फ यहाँ पे मतलब कि चित्र बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों को इस तरफ हम लेकर चलते हैं, इस तरफ ही दिखाते हैं, आप लोग देखिए यह देखिए यहाँ पे जो है से कि काशी विश्वनाथ का जो घाट है वहाँ का जो है से कि पूरा यहाँ पे बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं, यह देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ भी है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यह देखिए काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा लगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे जो है से कि इस बार चेंज करके बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए और यहाँ पे गार्ड साहब रहेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रवेश द्वार है, इससे आपको जो है से कि प्रवेश करना है और निकासी द्वार इस तरफ है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। क्या गार्ड साहब चालू हो गया क्या? कल से शुरू होगा। अच्छा कल से शुरू होगा। आप अभी पब्लिक जा रहे हैं उनको मतलब कि आज फ्री है? हाँ उनके लिए फ्री। अच्छा जी, आप लोग भी आते हैं आज तो अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या सब चीज़ है। और आप लोग देख सकते हैं ठंड का मौसम आ गया है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है से कि स्टॉल लग रहे हैं। देखिए भैया के पास उलेन कपड़ा मिल जाएंगे, पता करते हैं। भैया उलेन कपड़ा में आपके पास क्या सब चीज़ मिल जाएंगे? सब चीज़ मिलेगी भाई, सारे चीज़ मिलेंगे। हाँ भाई। अच्छा जी, तो आप लोग भी आते हैं तो भैया का मेन फ्रंट पे गेट के अंदर आप लोग आएंगे तो इनका जो है से कि शॉप मिल जाएगा। और अभी आप लोगों को दिखा दें अंदर में, आप लोगों को जैसे पहले आप लोग देखते थे यहाँ पे जगह जगह मतलब कि पूरा काउंटर, उस प्रकार इस बार भी मतलब कि काउंटर बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए भैया का मतलब कि यहाँ पे बैग उग मिलेगा भैया के काउंटर पे। देखिए अभी जो है से कि ये सब लग रहा है ना भैया, कब तक आप चालू कर देंगे भैया? कल सुबह तक चालू हो जाएगा ना? हाँ तो कल सुबह तक मतलब कि आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएगा कुछ काउंटर पे, आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे भी उलन कपड़े का यहाँ पे काउंटर लग चुका है। देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे काउंटर अभी खाली है। यहाँ पे जो है से कि दुकान धीरे धीरे सजना स्टार्ट हो गया। देखिए तो चलिए यहाँ के जो शॉप ऑनर है उनसे बात करते हैं। भैया यहाँ पे क्या सब चीज़ मिल जाएंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ ब्लेजर कोट जैकिन जर्किन सब चीज मिलेगा। अच्छा, सिर्फ लेडीज या जेंट्स भी? लेडीज सब मिलेगा, लेडीज जेंट्स दोनों मिल जाएंगे, सब मिलेगा। अच्छा जी, तो बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेगी, कश्मीरी आइटम, कश्मीरी आइटम मिलेंगे ना, वुलन पे मिलेगा बढ़िया। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज जेंट्स दोनों आपको वुलन कपड़ा मिल जाएंगे। देखिए और भी आगे लेकर चलते हैं और आगे भी दिखा देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट की काफी अच्छा सुविधा मतलब ये किया गया, यहाँ पे अभी काफी सारे दुकान मतलब की लग ही रहा है। देखिए भैया देखिए आगे भी लेकर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। भैया कब तक आपका काउंटर रेडी हो जाएंगे? कल सुबह तक, कल सुबह तक हो जाएंगे। क्या सब चीज़ मिलेंगे आपके पास? ज्वेलरी का आइटम है, ज्वेलरी का आइटम होगा। अच्छा जी, ए टू जेड। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, तो चलिए यहाँ पे जैसे कि भैया सुबह तक मतलब कि अपना काउंटर पूरा ओके कर देंगे आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा यहाँ पे भंगा में जो है से कि उलन कपड़ा आ गया हुआ है भैया के दुकान पे ना भैया? सिर्फ उलन कपड़ा मिलेंगे आपके यहाँ? लेडीज भी या जेंट्स ही? जेंट्स भी मिलेगा, लेडीज जेंट्स दोनों मिलेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे काम चल रहा है। भैया इसमें क्या चीज का दुकान रहेगा ये? गन शूटिंग का। गन शूटिंग का, अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं तो भैया के पास आप लोग गन शूटिंग कर सकते हैं। देखिए आपके पास भैया क्या चीज का काउंटर लग रहा है? लक्की कूपन का। लक्की कूपन का, अच्छा जी। देखिए और यहाँ पे भी आपको उलन कपड़ा का दुकान लग चुका है। देखिए आगे भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए भैया आपके पास क्या सब चीज मिलेंगे? बस किचन का सामान, किचन का सामान मिलेंगे ना? अच्छा कब तक आपका काउंटर रेडी हो जाएंगे भैया? कल से परसों तक। कल तक परसों तक पूरा मतलब कि फिनिश हो जाएंगे ना? अच्छा ये तो काफी सारे दुकान पे कल फिनिश हो जाएंगे कल जो है से, और काफी सारे काउंटर भैया बोल रहे हैं कि परसों हो जाएगा। क्या देखिए भैया के पास आते हैं तो यहाँ पे भी जो है भैया क्या सब चीज मिलेंगे आपके पास? सिंगार का आइटम ना? अच्छा जी, मतलब कि अभी कस्टमर अगर लेना चाहते तो मिल जाएंगे ना? ऐसे काउंटर आपका कब तक रेडी हो जाएगा? कल से परसों तक रेडी हो जाएंगे ना? तो यहाँ पे भी आप लोग आते हैं तो यहाँ पे भी आपको कॉस्मेटिक आइटम मिलेगा। देखिए और ये देख सकते हैं, देखिए ऐसा भी खाली है अभी मतलब कि यहाँ पे दुकान लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए जय माँ गायत्री, मनोरंजन का खजाना, वॉलीबॉल का एक चांस 30 रुपया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब कि इनाम रखा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसको चालू होने दीजिए, फिर हम आप लोगों को जो है से कि दिखाएंगे। तब तक हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि कहाँ पे क्या सब चीज़ें। भैया आपके पास क्या सब चीज़ मिलेंगे? भूजा। अच्छा आपका काउंटर यहीं पर रहेगा? जी भैया। अच्छा आपका काउंटर चालू हो चुका है? हो चुका है। अच्छा जी, तो आप लोग आते हैं तो यहाँ पे भूजा खा सकते हैं। देखिए आगे भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए झूला, झूला हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे लास्ट में। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको आइसक्रीम का काउंटर लग चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आइसक्रीम का काउंटर। भैया आइसक्रीम और क्या क्या मिलेंगे आपके पास? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे आपके पास? हाँ।
और फ्लेवर भी उसमें देखिए हम लोग जो अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा जी, बादाम शेक वगैरह वो भी मिलेगा। अच्छा जी, तो कब से आपका काउंटर चालू हो जाएगा भैया? कल चालू हो जाएंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो भैया का खुद से बनाया हुआ बादाम शेक ये सब पी सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है कि कॉस्मेटिक का दुकान लग चुका है। देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉस्मेटिक का दुकान लग चुका है और यहाँ पे भैया का अचार का दुकान लग रहा है। याद देखिए, फिक्स प्राइस एकदम राजस्थानी फेमस अचार एवं मुरब्बा। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ दिया हुआ, आप लोग किसी भी प्रकार का अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। भैया कब से आपका काउंटर चालू हो जाएंगे? आज तो लगा रहे हैं, कल आज लगा रहे हैं, कल हो जाएगा रेडी। अच्छा जी, क्या नाम हुआ अभी आपका? सुशील यादव। तो चलिए भैया के यहाँ से आप लोग अगर आते हैं तो अचार अवश्य लीजिए। हर फ्लेवर का भैया, हर फ्लेवर का अचार मिल जाएंगे आपके पास? 36 प्रकार के अचार के अलावा चिप्स भी है, मुरब्बा भी है। अच्छा जी, लगा हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब कि अभी ये स्टार्ट ही कर रहे हैं, मतलब कि लगा रहे हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको खिलौना के दुकान मिल जाएंगे और यहाँ पे भैया का जो है कि कॉस्मेटिक आइटम। भैया क्या सब चीज मिलेंगे आपके पास? ज्वेलरी का पूरा आइटम मिलेगा भैया, ज्वेलरी का पूरा आइटम मिलेगा। कब से आपका काउंटर चालू हो जाएगा? आज से चालू है। आज से चालू है। अच्छा जी, पूरा फिक्स कब से स्टार्ट हो जाएगा? फिक्स थोड़ा 1 घंटा लगेगा। अच्छा, 1 घंटा, मतलब कि आपका 1 घंटा लगेगा ना। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या नाम है अभी आपका? राजीव कुमार। चलिए आगे भी लेकर चलते हैं, अभी देख सकते हैं ये सब में दुकान लगेगा। क्या सब चीज मिलेंगे भैया आपके पास? मेरे पास भी ज्वेलरी का सारा आइटम मिलेगा। आपका काउंटर भैया रेडी हो चुका है? नहीं सर, अभी हुआ नहीं है। अच्छा जी, अभी हो रहा है भैया का काउंटर। थोड़ा इधर आ जाइएगा भैया, थोड़ा ही हम आपका बोर्ड दिखा दें भैया लोगों को। चांद के ज्वेलर शॉप आप लोग देख सकते हैं। देखिए, और भैया के पास लेकर चलते हैं अमृता कंगन महल। याद देखिए, यहाँ पे भैया के पास आप लोग देख सकते हैं। देखिए कंगन के कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे देखिए लगाए हुए हैं सामने शो में। भैया क्या सब चीज मिल जाएंगे आपके पास? यहाँ चूड़ी का टोटल सामान मिल जाएगा, लेडीज का टोटल आइटम। अच्छा, चूड़ियाँ। अच्छा जी, मुंबई आइटम, कोलकाता आइटम। मुंबई और कोलकाता का आइटम अपने मुजफ्फरपुर में जी। अच्छा जी, सिर्फ आपके पास जी? अच्छा जी, क्या नाम से दुकान है भैया? मेरा नाम तो साजन शाह है, ऐसे दुकान है अमृता कंगन महल। तो देख सकते हैं आप लोग, भैया का वहाँ पे नाम दिया हुआ है साजन कुमार और इधर में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग यहाँ से कॉन्टेक्ट ले कर सकते हैं। अगर भैया कोई अगर मंगवाना चाहे, लेना चाहे आप लोग को, मतलब ये तो वो नंबर से हो जाएगा? जी, हो जाएगा। अच्छा, ये ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहे तो? जी हो जाएगा। होलसेलिंग अगर चाहिए तो होलसेलिंग भी करते हैं। होलसेलिंग का भी मतलब ये हो जाएगा। अच्छा भैया, आप किस जगह से हैं? हम तो बेगूसराय से हैं। होलसेलिंग भी करते हैं? होलसेलिंग भी करते हैं। अपना अपना एक बार मुख से बोल दीजिए नंबर जी। 73-19-63-59-42। अच्छा जी, तो आप लोग भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर थोक में माल उठाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन। देखिए काफ़ी सारे डिजाइन है यहाँ पे, भैया सैंपल में लगाए हुए। और इधर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये सब काउंटर अभी जो है देखिए लग ही रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए बच्चे वाला रेल, इस पे जो है कि बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। देखिए ये मेन आगे का इंजन हो गया और ये डब्बा हो गया। देखिए इसमें बच्चे बैठकर खूब इंजॉय करते हैं। आगे भी लेकर चलते हैं, दिखा। आप ही का है क्या भैया? जी भैया। अच्छा भैया, कब से स्टार्ट कर देंगे आप? थोड़ा इधर आ जाइए। आज 1 घंटा में स्टार्ट हो जाएगा। 1 घंटा में स्टार्ट हो जाएंगे जी। अच्छा जी, तो भैया क्या प्राइस है इसका? इसका अभी 30 रुपीस है। 30 रुपया ना? चलिए आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को और आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि इसमें बच्चे जो इसमें कूदते हैं तो इसके बाद जो है कि ये जंप करता है, उसका जो है कि आपको 2 काउंटर मिल जाएंगे। 2 आगे भी चलकर दिखाते हैं आपको। और काफ़ी अच्छा अच्छा बच्चे के लिए झूला सब आया हुआ है। एक भैया का झूला यहाँ पे है, देखिए मारुति कार ये सब। अच्छा भैया, ये आपका रेडी हो चुका है ना? जी हाँ, रेडी हो चुका है। अच्छा जी, तो क्या प्राइस है भैया इसका? इसका टिकट के प्राइस या इसका पूरा? नहीं, इसका आपका, इसमें जो बच्चा आएंगे इसमें झूलेंगे इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 30 रुपये। 30 रुपये? कितना राउंड भैया? राउंड तो इसका 10 राउंड है, पर हम लोग 10-12 राउंड भी। अच्छा, ज्यादा मतलब ज्यादा ही झुलाते ताकि बच्चा खुश रहे। बच्चे खुश रहे। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग आए हुए हैं, बच्चे लोगों से बात करते हैं। बाबू, इस झूला पे कभी झूली होगी? नहीं? हाँ झूले। कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? क्या नाम हुआ? नाम क्या है? किसका? तुम्हारा? काफिया। अच्छा जी, कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 1। देखिए काफी सारे बच्चे। क्या नाम है बाबू आपका? सबर। कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? 3। अच्छा, स्कूल का नाम?
संचरण एकेडमी आगे पढ़ना है ना। हाँ। मन लगा पढ़िए है ना। तो भैया से पता करते हैं यहाँ पे क्या चीज का। भैया ये क्या चीज का बन रहा है? ये है नाव भाई। देखिए यहाँ पे हम पता करते हैं। देखिए अंदर में जो है से कि पूरा पन्नी का तिरपाल लगाया जा रहा है। इस भाई से पता करते हैं कि भाई क्या चीज बन रहा है इसे। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आप सिर्फ काम कर रहे हो? काम कर रहे हो तो ये भी जानकारी नहीं कि क्या चीज का काम कर रहे हैं हम। भैया ये क्या चीज बन रहा है? वाटर बॉल। वाटर बॉल, अच्छा जी। कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? कल से चालू हो जाएगा। कल से चालू हो जाएगा। क्या प्राइस है भैया इसका? अभी चालू नहीं हुआ है। मैंने फिर भी आपको अनुभव होगा ना। 50 रुपया। अच्छा जी। उसका कुछ टाइम हुआ है क्या? राउंड है 6 राउंड। 6 राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टावर झूला लग रहा है। या देखिए काफी सारे भैया लोग जो है कि यहाँ पे चारों तरफ से लगे हुए हैं टावर झूला को लगाने में। या देखिए भैया कब से ये टावर झूला स्टार्ट हो जाएगा? कल से पूरा हो जाएगा काम। अभी आप लोग देख सकते भैया लोग जो है कि इसको पूरा फिटिंग कर रहे हैं। देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे एंगल लगाया जाता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा एंगल है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए भैया लोग जो है कि सब आज मिलकर इसको जो है कि उठा रहे हैं, इसको फिटिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग आइएगा तो यहाँ पे जो है कि टावर झूला में इंजॉय कीजिए। देखिए काफ़ी बड़ा होता है टावर झूला। अभी जो है कि वहाँ से और ऊँचा में जाएगा। और ये जो है कि टावर झूला का यहाँ पे मटेरियल सब गिराया गया है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये सब मटेरियल इसमें लगेगा। देखिए काफ़ी बड़ा होता है टावर झूला। भाई हमको तो झूला से काफ़ी डर लगता है। हम तो हर चीज़ कर लेते हैं भाई, झूला हम नहीं झूलते। चलिए आगे भी चलते हैं, आगे भी हम दिखाते हैं। क्या बाबू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी इसमें आए थे कि नहीं? इससे पहले आए थे, इससे पहले लगा था। अच्छा जी। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। मजा आ गया ना कि फिर से आ गया अपना तिलक लगा। इस बार दूसरा लगा है मेला, दूसरा तरह का झूला लगा है। दूसरा तरह का। इस बार मौत का कुआं नहीं है। मौत का कुआं नहीं है। इस बार आपको लगा ये नाव वाला भी लगा है। नाव वाला भी लगा है ना। हाँ, बच्चा सबका एरोप्लेन वाला भी लगा है। ब्रेक डांस चेंजिंग हुआ है ना। सिर्फ मौत का कुआं नहीं है, बाकी के काफी सारे चेंज हुआ है। 3-4 झूला चेंज हुआ है। अच्छा, लोकल ही है क्या बाबू? अच्छा, बगल के इस्लामपुर। बगल का। अच्छा, इस्लामपुर घर है ना। क्या नाम हुआ? क्रिस। क्रिस, देखिए तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ऐसे कि बड़ा सा ब्रेक डांस लग गया और ये स्टार्ट भी हो गया। चलिए ब्रेक डांस का क्या प्राइज है भैया से जानकारी लेते हैं। भैया इसका क्या प्राइज होगा? 30 रुपया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कितना? 50-60 टका। कोई बोल रहा है 30 रुपया, कोई बोल रहा है 50 रुपया, कोई बोल रहा है 60 रुपया। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या नहीं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। इसका क्या नाम है झूले का? नाव झूला ना। ये बड़ा सा नाव झूला है। आप देखे ये टोरा झूला है और ये तो अभी चालू नहीं हुआ है। और एक झूला आपको ये हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसका हम पता करते हैं इसका क्या प्राइस है। देखिए इसका क्या प्राइस है? 50 रुपया। इसका कितना राउंड होता है ये? 6 राउंड है ना। और यहाँ पे भी कुछ काउंटर लग रहा है। भैया से जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या चीज रहेगा? हेलो भाई, सेटिंग तो करने। अच्छा, सेटिंग करने दी। सिर्फ आप सेटिंग कर रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं है क्या चीज का हम सेटिंग कर रहे हैं? जानकारी तो फुल है, दुकानी मेरा है तो जानकारी नहीं। आप बता नहीं रहे हैं क्यों? पागल है क्या? और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई फेमस भेलपूरी, खट्टे मीठे चटपटे। आप लोग आते हैं तो यहाँ पे भेलपूरी खा सकते हैं। तो आप लोग देखे यहाँ पे काफी सारे झूला है और काफी सारे चेंजिंग हुआ है। और यहाँ पे हम भैया से पता करते हैं ये फाइनली कब से पूरा स्टार्ट हो जाएगा भाई। अच्छा भैया, इससे पहले जो डिज्नीलैंड मेला लगा था और फिर से ये लौट के आ गया, इसमें पहले से क्या सब चीज चेंजिंग हुआ है? ये डिज्नीलैंड मेला तिलक मैदान मोतीझील मुजफ्फरपुर में कल माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। इस मेले में आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि 70 से 72 आपको स्टॉल मिलेंगे। अच्छा जी। जिसमें आपको कश्मीरी उलेन कोट के बहुत सारे स्टॉल हैं। ठंडे मौसम चल आ रही है तो मवैया कोट वगैरह मिलेगा। बच्चों के लिए खिलौने हैं, ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल है, अचार का मिलेगा, कटलरी क्रॉकरी के स्टॉल हैं। मतलब बच्चों और फैमिली के परिवार के मनोरंजन के लिए एक पूरी तरह एक
सामाजिक स्तर से और एक सेफ्टी के स्तर से ये प्रॉपर मेला चल रहा है। अच्छा जी, झूलों का में एक नया आया है 24, ये टावर देख रहे हैं ना आप, इससे पहले जो लगा था वो 22 चेयर का था, ये 24 चेयर का, पूरे बिहार झारखंड में पहले 24 चेयर का ये पहली बार आ रहा है। दूसरा चीज़ है, इसके साथ साथ ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, मिनी ट्रेन है, पहली बार मुजफ्फरपुर में हम नाव ला रहे हैं जो इससे पहले पिछले मेले में नहीं था, वाटर बोट की व्यवस्था है, मिक्की माउस है, मिनी ट्रेन है, जंपिंग है, ये सारे व्यवस्था, लगभग आपको 12 से 14 झूलों का एक संग्रह आपको हमारे डीलैंड मेला मोती झील तिलक मैदान में मिलेगा। 15 रुपया सिर्फ हम रखे हुए हैं इसका प्रवेश, 1 बजे दिन से लेकर रात के 10 बजे तक इसका समय है। पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से आग्रह है कि अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारे मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। अच्छा सर, ये कितना दिन तक रहेंगे? ये मेला लगभग आपको 26 जनवरी तक, अभी तक प्रयास है, अगर मुजफ्फरपुर वासियों का अच्छा समर्थन मिला, उत्साह मिला, तो इस मेले को आगे भी हम आपके थ्रू मुजफ्फरपुर वासियों को अप टू डेट करेंगे। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, संस्थापक दल का सदस्य। हाँ तो गाइस, अभी आप लोग देखे मुजफ्फरपुर तिलक मैदान रोड में जो है फिर से डिज्नीलैंड मेला आ चुका है। आप लोग भी आते हैं तो यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगाया गया है, जो आप लोग देखे, कुछ स्टॉल जो है कि बाकी है यहाँ पे लगाना, और काफ़ी सारे स्टॉल लग गया है। और अब यहाँ पे जो है कि काफ़ी अच्छा अच्छा झूला भी आया हुआ है, और आप लोग देखें, और इसका जो है कि पूरा कंप्लीट A to Z काउंटर चालू हो जाएगा, तो हम आप लोगों को एक अपडेट और देंगे। और आप लोगों को पहले ही बताया जो है कि 25 नवंबर को इसका ओपनिंग हुआ है, आज है 26 नवंबर, आज हम आप लोगों को अपडेट दिए हैं। हमें जानकारी मिली थी पर हमें टाइम नहीं मिलने की वजह से हम यहाँ पर नहीं आ पाए। तो ये था छोटा सा एक अपडेट आप लोगों को जो है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी मुजफ्फरपुरवासी को इस डिज्नीलैंड मेला के बारे में जानकारी मिले, और वो भी यहाँ पे। और आप लोग जो है कि पिछले बार जो है कि मात्र 10 रुपये इसका टिकट प्राइस था, और इस बार जो है कि 15 रुपये रखा गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।